नमस्कार किसान साथियों, एग्री सॉल्यूशन ओनली चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने बात करते हैं गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में, जो हाल ही में गेहूं और जौ रिसर्च सेंटर करनाल के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। इनमें से 27 वैरायटी का प्रपोजल सबमिट हुआ था, जिसमें से 22 को अप्रूवल मिल गई है। उनमें से 5 वैरायटी अपने बात करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखें तो ये किस्में हैं जलवायु के प्रतिरोधी हैं, यानी कि जैसे अपने पिछले सीजन की बात करें तो गेहूं के पकाव के समय जो तापमान में अचानक वृद्धि और हीट वेव चलने के कारण उत्पादन में गिरावट आई थी, तो उसके प्रति सहनशील है ये वैरायटी। तो इसके अंदर अपने देखें तो मेनली DVW55, DVW316, DVW370, DVW371, DVW372। गेहूं और जौ रिसर्च सेंटर के निदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी के अनुसार सभी 5 किस्में किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी गेहूं, क्योंकि सभी किस्में अधिक उपज देने वाली हैं और इनका औसतन उत्पादन 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। DVW316 उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड शामिल है और यह एक लेट वैरायटी है। DVW55 की अगर बात करें तो यह ब्लैक एंड ब्राउन रस्ट के प्रति सहनशील है। DVW370, 371, 372 अगेती बिजाई के लिए है। तो किसान भाइयों, जुड़े रहिए एग्री सॉल्यूशन ओनली के साथ अधिक जानकारी के लिए।